कोरोना से जंग आज की सबसे बड़ी खबर दिल्ली नोएडा बॉर्डर से जुड़ी हुई है। नोएडा में दिल्ली से आने वाली सभी गाड़ियों की एंट्री बैन कर दी गई। नोएडा के डीएम के आदेश के बाद बॉर्डर को टोटल सील कर दिया गया। मतलब अब अगर आप दिल्ली से नोएडा आना चाह रहे हैं मत कोशिश कीजिए। अगर आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं और आपके पास पास है तभी आप आ पाएंगे। नोएडा के डीएम ने कहा कि दिल्ली से आने वालों की वजह से नोएडा में कोरोना के केसेस बढ़े। डीएम के आदेश के बाद रात 12 बजे से ही दिल्ली से आने वाले सभी सीमाओं को सख्ती से वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है, उसे सील कर दिया गया है। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। प्रशासन ने केवल 6 तरह की सेवाओं को शर्तों के साथ छूट दी है। वहीं दिल्ली से नोएडा आने वाले कालिंदी कुंज बॉर्डर, मयूर विहार का जो बॉर्डर पड़ता है, डीएनडी है जहां से आप नोएडा में दाखिल होते हैं, वसुंधरा एनक्लेव है वहां से आप आते हैं, इन सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। तो आप अगर मैप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जहां से आप सोचेंगे अच्छा अंदर वाले रास्ते से चल लेते हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। मत कोशिश कीजिए, आप नहीं आ पाएंगे। हर जगह बॉर्डर सील है और अगर आप एसेंशियल सर्विसेज में हैं और पास है तभी आ पाएंगे। ये बहुत बहुत साफ कर दिया है नोएडा के डीएम ने। तो ये मैप आपको दिखा दे रहा हूं, कोई भी बॉर्डर एरिया जो नोएडा से लगता है सबके सब सील है। पुलिस वाले वहां पर सख्ती दिखा रहे हैं, जो सिर्फ पास वाले हैं उनको ही आने दिया जा रहा है। दीक्षा पांडे हमारी सहयोगी वहां पर गई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए आपको समझ में आएगा कि बॉर्डर पर अभी क्या स्थिति है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। नोएडा में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल नोएडा के सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। इस वक्त मैं नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद हूँ, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। दरअसल यहाँ पर जो जिले के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हैं, पुलिस यहाँ पर सभी सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल जितनी भी ज़रूरी सेवाओं की जो गाड़ियाँ हैं उन्हें ही बॉर्डर को क्रॉस करने दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब 23 तारीख को जब लॉकडाउन किया गया था उसके बावजूद दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर्स पर बड़ी तादाद में जो है गाड़ियों की संख्या देखने को मिली थी, लेकिन अब एहतियात बरतते हुए किसी भी कीमत पर गैर जरूरी सेवाओं को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। देखिए सामने तस्वीर देखिए, यहाँ पर एक गैर जरूरी गाड़ी जो है वो यहाँ से गुजर रही थी, अब उन्हें यहाँ से लौटने के लिए कहा जा रहा है। जो एम्बुलेंसेज हैं जो कि साथ ही जो कोविड-19 से जुड़ी जो सेवाओं से जुड़े डॉक्टर्स हैं अधिकारी हैं उन्हें यहाँ से जाने की इजाज़त दी जा रही है। वहीं पर मीडिया को महज आज के लिए छूट दी गई है और अगर किसी भी ज़रूरी सेवा का पास बनवाना है तो पास बनवा कर ही कल से जो है उन्हें एंट्री मिलेगी। फिलहाल भी देखिए यहाँ पर पूरी चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि नोएडा में जो भी कोरोना पॉजिटिव केसेस आए थे उनमें से कुछ ऐसे मामले थे जिनका लेना देना जो है लगातार दिल्ली से बना हुआ था, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि दिल्ली में आने जाने के चलते जो है ये संक्रमण काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ऐसे में ये एहतियातन ये कदम जिलाधिकारी की तरफ से उठाया गया है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम लंबी कतार जो है गाड़ियों की लगी हुई है, लेकिन सभी गाड़ियों के गुजरने पर यहाँ पर भले ही जो पुराना पास लगा हुआ है वो आज से मान्य नहीं होगा और जिनकी गाड़ियों पर लगे हुए पास जो मान्य नहीं है उन्हें फिर से लौटने के लिए कहा जा रहा है। गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैदी से यहां पर तैनात है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, नोएडा। क्या स्थिति आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। दीक्षा पांडे दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है, वहां से अपडेट देंगी। राजीव सिंह हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं, पहले दीक्षा के पास चलते हैं। दीक्षा, बॉर्डर की क्या स्थिति है, क्या आज ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों को वापस भेजना पड़ा, क्या स्थिति नजर आई आपको वहां पर, अपडेट क्या अभी का? सुशांत, मैं इस वक्त यूपी बॉर्डर पर हूं जो कि दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद तीनों को एक दूसरे से जोड़ता है। और आपको बता दें कि हैरान कर देने वाली यहां पर तस्वीर ये है कि जब दो बड़े जिलों के बॉर्डर्स को सील किया गया है उसके बावजूद भी लोग जो है सड़क पर निकल रहे हैं गैर जरूरी काम से। यहाँ पर देखिए किस तरह से लंबी कतार जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि ये तस्वीर बीते दिन जैसी तो नहीं है, लेकिन आज भी जो है यहाँ पर ट्रैफिक जो है देखने को मिल रहा है। जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर निकल रही हैं सबके पासेस देखिए, यहाँ पर जो सिपाही हैं वो पूरे पासेस को चेक कर रहे हैं, बाकायदा पूछताछ के बाद ही उन्हें जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। लेकिन अभी भी हैरानी की बात ये है कि जब प्रशासन और सरकार पूरी तरह से गंभीर है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी भी इस मामले के लिए गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, बिना बेवजह जो है घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में जो लोग भी बिना वजह यहाँ पे निकले हैं, बॉर्डर पर पहुँचे हैं, उन्हें पुलिस यहाँ से वापस जाने को कह रही है, सख्ती पूरी तरह से दिखाई जा रही है। और ऐसी ही तस्वीर जो है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर देखिए, ये बाइक वाले क्यों जा पा रहे हैं, अभी गाड़ी वालों की चेकिंग हो रही है, बाइक वाले जा पा रहे हैं पूछ के, बाइक वालों का पास चेक नहीं हो रहा है।
बिल्कुल उनका चेक हो रहा है क्योंकि उनके बाइक के फ्रंट पर ही उनका पास लगा हुआ है और उसे देखते हुए जो है भेजा जा रहा है अभी फिलहाल। और देखिए अभी आप तस्वीरें देखिए, इनसे बाकायदा पूछताछ करने के बाद ही जाने दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस भी तैनात है ताकि जो भी जिला प्रशासन की तरफ से जो भी ऑर्डर दिए गए हैं उसको पूरी तरह से सख्ती से पालन कराया जा सके। लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं और गाजियाबाद में अब तक 46 कोरोना पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से हैं, उनसे जरा अपडेट ले लें। विशाल, अच्छा ठीक है विशाल, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक और रिपोर्ट आई है वो जरा देख लेते हैं। हम मौजूद हैं इस समय लखनऊ के कैसरबाग इलाके में, जहां आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी तैनात हैं। उन सभी हॉटस्पॉट इलाकों की जबरदस्त तरीके से विजिलेंस हो रहा है, सभी की मॉनिटरिंग हो रही है, ड्रोन से बाकायदा निगरानी रखी जा रही है। लेकिन पुलिस और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इन हॉटस्पॉट इलाकों में से ज़्यादातर ऐसे लोग संक्रमित हुए हैं जो दरअसल कम्युनिटी किचन में इन्वॉल्व थे, फल बेचते थे, सब्जी बेचते थे, कंप्यूटर की दुकान चलाते थे और सरकार की तरफ से जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं उन एसेंशियल सर्विसेज को अंजाम दे रहे थे। ऐसे लोगों का कोरोना पॉजिटिव होना और ऐसे में उन लोगों के संपर्क में कौन कौन लोग आए थे, किन किन लोगों से इनका कॉन्टैक्ट हुआ था, उन सभी लोगों की लिस्ट निकालना, सबकी सैंपलिंग कराना निश्चित तौर पर सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए और पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से युद्ध स्तर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी टीम 11 की बैठक कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि अगर जमात के मामले उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ना आते तो उत्तर प्रदेश में स्थिति काफ़ी बेहतर स्थिति में होती। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से काम किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग इसके संपर्क में आए हों या जिनको संक्रमण की जरा सी भी संभावना दिखती है, फौरन स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है और अपने सारे महकमे के साथ ये कोशिश कर रही है कि सभी लोगों की सैंपलिंग कर लिया जाए और ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर नहीं। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। विशाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विशाल, आपकी एक रिपोर्ट हमने दिखाई लखनऊ की स्थिति को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, अभी योगी आदित्यनाथ का की स्ट्रैटेजी क्या है, उस सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है, बॉर्डर सील करके अंदर कैसे क्वारंटीन किया जाए, लोगों को मामले बढ़ने से रोका जाए, इसको लेकर क्या स्थिति और अपडेट भी दे दीजिए। सुशांत, सबसे पहले मैं आपको अपडेट बता देता हूं, उत्तर प्रदेश का 1149 कोरोना पॉजिटिव केसेस का अपडेट है। अब तक उत्तर प्रदेश में 21 मौतें हुई हैं और अगर लखनऊ की यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें सुशांत, तो पिछले 3 दिन यहां पर जिस तरीके से हॉटस्पॉट से ज़्यादा केसेज आ रहे थे उससे कहीं ना कहीं एक हल्की सी राहत की खबर ज़रूर है। परसों यहाँ पर 2 पॉजिटिव मामले आए, कल 2 पॉजिटिव मामले आए और अभी तक सुबह तक की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक लखनऊ में 5 पॉजिटिव मामले आए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लखनऊ के हॉटस्पॉट से जो लगातार एक में 31, 25, 20, 22 इस तरीके के मामले सामने आ रहे थे, अब उनमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि जितने भी हॉटस्पॉट के इलाके हैं उन सभी में न सिर्फ मॉनिटरिंग को बढ़ाया जाए बल्कि ये कोशिश किया जाए कि सील हुए इलाके से कोई भी आदमी बाहर ना आए। और एक नई चीज जो परसों से शुरू हुई है लखनऊ में कि सील हुए इलाकों में सुशांत स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां कैंप कर रही है, हर एक लोगों को घर से बाहर आह्वान किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप बाहर आ जाइए, अपना सैंपलिंग करा लीजिए ताकि चीजें हो जाए। तो ये कहा जा सकता है कि जो रैंडम यहां पे चेकिंग की जा रही है, जो युद्ध स्तर पर सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है, उसका नतीजा ये है कि सभी लोगों को सरकार इंश्योर कर लेना चाहती है कि उनका टेस्ट हो चुका है, उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर किसी को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश में ओवरऑल केसेस भले बढ़े हों लेकिन आप जैसा बता रहे हैं लखनऊ और कुछ दूसरी जगहों पर जो हर दिन केसेस सामने आ रहे थे उसमें उसकी संख्या में गिरावट आई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर प्रशासन यानी नोएडा प्रशासन ने दिल्ली नोएडा बॉर्डर सील किया, तो कल दिल्ली सरकार ने गाजियाबाद बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया था क्योंकि दिल्ली में भी कोरोना का मीटर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 75 नए केस सामने आए, इसके बाद कोरोना के मरीजों का आंकड़ा दिल्ली में टोटल केसेस आप देख रहे हैं 2156 हो चुका है और मौत जो हुई है दिल्ली में कोरोना से वो आंकड़ा 47 का है। दिल्ली में हर दिन हॉटस्पॉट की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अब दिल्ली में 87 कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े हैं। दिल्ली में 3 नए इलाकों को रेड जोन यानी हॉटस्पॉट बनाया गया जहां पर केसेस ज्यादा सामने आए। इनमें शामिल है गली नंबर 2, 3, 4 देवली एक्सटेंशन का, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन का इलाका, कृष्णापुरी मेन रोड मंडावली का, यह भी इसमें शामिल है। इसी के साथ दिल्ली में टोटल जैसा मैं आपको बता रहा था 87 हॉटस्पॉट्स हो चुके हैं जिसमें कुछ नए नाम जो शामिल हुए हैं वो आपको बता रहा था, जिसमें देवली एक्सटेंशन का इलाका है, हर्ष विहार है, हरिनगर एक्सटेंशन है। दिल्ली के बाद अब आपको महाराष्ट्र का कोरोना मीटर भी दिखा देता हूं। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा 5218 कोरोना केसेस सामने आए, सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं 251,
महाराष्ट्र के सबसे बड़े हॉटस्पॉट मुंबई में अब तक 3455 केस सामने आ चुके हैं और 151 लोगों की जान गई हुई है। यानी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए पूरे देश में, और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का एपिसेंटर बना हुआ है अगर आप बात कीजिएगा कोरोना से जो कोहराम मचा है उसके लिहाज से। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 552 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जो बेहद डराने वाला आंकड़ा है, जबकि 19 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में 355 केस सामने आए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। और अगर आपको ध्यान हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि भारत में एक दिन में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस जो अभी आए हैं वो 1300 कुछ के आए हैं। उन 1300 में से 550 केसेस महाराष्ट्र के हैं, 552। अब आप सोचिए कि लगभग एक तिहाई से भी ज्यादा केसेस सिर्फ महाराष्ट्र में निकल रहे हैं एक एक दिन में, तो क्या हालत है महाराष्ट्र की। बीते 24 घंटे में जो 19 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं उसमें से ज्यादा 12 मौत मुंबई में हुई है। इसके अलावा 3 मौत पुणे में हुई है, 2 मौत ठाणे में, 1 व्यक्ति की जान सांगली में गई और 1 व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है पिंपरी चिंचवड़ के इलाके में। मुंबई महाराष्ट्र का हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो मुंबई का हॉटस्पॉट है एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी। धारावी में बीते 24 घंटे में 12 नए केस सामने आ गए और धारावी में कुल केसेस की बात कीजिएगा तो 189 केस जो हैं वहां पर सामने आ चुके हैं और 12 लोगों की मौत हो चुकी है। और आप ध्यान रखिए, हम आपको लगातार बता रहे थे कि जो धारावी है स्लम है, बहुत सटे हुए घर हैं, उनमें अगर फैलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और वो स्थिति दिख रही है कि केसेस बढ़ रहे हैं, नए केसेस की संख्या बढ़ रही है और मौतों की संख्या भी वहां बढ़ रही है। राजीव हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं। राजीव, मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर ये आंकड़ा इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है? कुछ जगहों पर हमने देखा, अभी उत्तर प्रदेश का विशाल बता रहे थे कि वहां ग्राफ या रोज आने वाली संख्या जो है केसेस की वो कम हुई है, महाराष्ट्र में ये क्यों नहीं हो रहा और क्या अपडेट है वहां? सुशांत, देखिए धारावी में आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है उसकी मुख्य वजह जो है वो स्लम बस्ती और इतनी कंजेस्टेड बस्तियां हैं कि यहाँ पर लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेस करना भी मुश्किल है महानगर पालिका प्रशासन के लिए। इसलिए बाकायदा 50 लोगों की टीम बनाई गई है जिसमें महानगर पालिका के कर्मचारी से लेकर डॉक्टर नर्स सब अलग अलग है और खास तौर पर वो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, ताकि सबसे पहला फोकस उन इलाकों में है जहाँ जहाँ पर पॉजिटिव केसेस आए और उन कॉन्टेक्ट को ट्रेस किया जाए। जो लोग पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए थे, जो संक्रमण के शिकार लोगों की चपेट में आए थे, 12 लोगों की डेथ हुई है धारावी इलाके में और अभी तक 180 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में इस वक्त ऐसे कई इलाके हैं जो कोरोना की चपेट में है, अकेले मुंबई में 150 लोगों की मौत हो चुकी है। कल ये आंकड़ा जब आधिकारिक तौर पर जारी किया गया तो मुंबई का 151 था, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 251 लोगों की मौत बताई गई। हालांकि उसके बाद भी कुछ और जिलों में मौत की जानकारी सामने आई है। आज निश्चित तौर पर जब आंकड़ा सामने आएगा तो ये ग्राफ और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। बाकी हमारे रिपोर्टर्स का भी शुक्रिया। गुजरात में भी कोरोना का मीटर बहुत तेजी से भाग रहा है और हैरानी की बात यह है कि मौत का आंकड़ा यहां पर भी लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में 12 घंटे में कोरोना के 112 नए केस सामने आए और आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो केसेस के मामले में राज्यों की हम जब बात कर रहे थे तो महाराष्ट्र के बाद पहले मध्य प्रदेश आता था, अब गुजरात आने लगा है। 21 अप्रैल यानी मंगलवार को कोरोना से 13 लोगों की यहां पर मौत हुई है। इसी के साथ गुजरात दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा 90 लोगों की मौत हुई है। 2000 से ज्यादा कोरोना के केस यहां पर सामने आ चुके हैं और गुजरात में यह आंकड़ा बढ़ा है। वहीं तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। कोरोना की रफ्तार यहां पर कितनी डरावनी है इसको आंकड़ों से समझिए। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 80 लोगों की जान गई है। इंदौर जैसे मुंबई, वहां आप देख रहे थे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस मुंबई में निकलते हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है, बड़ा हॉटस्पॉट कोरोना का। यहां पर कोरोना के अब तक 915 केसेस सामने आ चुके हैं और 52 लोगों की मौत इंदौर में हुई है कोरोना की वजह से। भोपाल में 285 कोरोना के केसेस सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। उज्जैन का इलाका है, वहां 33 कोरोना केसेस सामने आए हैं, 7 की मौत है। खरगोन में 41 केस सामने आए हैं और 3 लोगों की जान गई है कोरोना की वजह से। यह मध्य प्रदेश का आंकड़ा मैं आपको बता रहा था। कोरोना को लेकर लोगों में डर अब बढ़ेगा ही, जब ऐसे आंकड़े बढ़ेंगे तो डर भी बढ़ेगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। और यही वजह है कि जो ICMR है वो आंकड़े जो दे रहा है वो हैरान करने वाले हैं। अब तक लोगों को ये पता था कि कोरोना के लक्षण क्या हैं, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि देश में 80% मरीज ऐसे हैं
जिनमें कोरोना के लक्षण ही नहीं दिख रहे हैं। मतलब अभी ये था कि मुझे खांसी हो गई, सर्दी हो गई या कोई और लक्षण है बीमारी के, बुखार है, तो ये मानते थे कि भाई कोरोना है, जाइए जाके इलाज करा लीजिए। लेकिन लक्षण नहीं दिख रहे 80% केसेस में, फिर भी लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। 20% ही ऐसे मरीज हैं जिनके कोरोना के सामान्य लक्षण सामने आए हैं। यानी एक तरीके का आप कहिए साइलेंट अटैक है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके अंदर कोरोना का वायरस है, क्योंकि अब ये पता करना भी मुश्किल है कि किसे कोरोना है और किसे कोरोना नहीं है, लक्षण ही नहीं दिखेगा। अगर आप बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं, जैसे सामान्य जीवन जी रहे हैं वैसे ही जी रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि आपको कोरोना है? और ऐसे में कोरोना को डिटेक्ट करना मुश्किल है जब लक्षण नहीं है, लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं तो घर में लोगों को भी वायरस फैला सकते हैं, और इसीलिए खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कश्मीर से खबर है वो दिखाऊंगा आपको।